हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वापस हम लोग आ चुके हैं राफ्ट टू सर्वाइवल में। बहुत ही लंबे टाइम के बाद ये एपिसोड में वापस से कंटिन्यू कर रहा हूँ इस सीरीज को। लास्ट वाला एपिसोड में तो हम लोगों ने अपनी जो राफ्ट है उसको अपग्रेड किया था। मैं आपको एक बार नीचे से इसका लुक दिखाता हूँ, बट उससे पहले वाला एपिसोड आप लोग जाके जरूर देखना ताकि एक रिकैप सा आपको मिल पाए। वैसे मैंने हम लोगों ने उससे पहले वाले एपिसोड में ये वाला जो आइलैंड है ना जिसका नाम है टेनगेरोवा, ये वाला आइलैंड जो कि एक फ्लोटिंग सिटी थी, पूरा ग्लास का डोम था, वहां पर रोबोट्स भी थी, वो हम लोगों ने एक्सप्लोर की थी और वहां से हमको यिवरुना पॉइंट का हमको कोड मिला था। अब जाके आज हमको इस वाले आइलैंड पर जाना है और ये जो आइलैंड है ये अंडरग्राउंड होने वाला है, तो बहुत डेंजरस आइलैंड आ रहे हैं इसके बाद से। ये फाइनल चैप्टर का पहला एपिसोड पहला आइलैंड है, इसके बाद एक और आइलैंड है और शायद कुछ टाइम में हमारी ये सीरीज भी खत्म हो जाएगी। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हर एपिसोड में कि आप एक सबनॉटिका बिलो जीरो वाला कोई गेम है उसको खेलने के लिए, वो शायद इसी से रिलेटेड इसी से सिमिलर टाइप का कुछ गेम है। बट मैंने सोचा कि यार देखो उससे उसको शुरू करने से पहले जो एटलीस्ट हमारी जो चल रही सीरीज ना उसको एटलीस्ट कंप्लीट तो करा जाए, तो आज हम लोग इसको अब जाके कंटिन्यू आगे करने वाले हैं। बहुत लंबे टाइम के मैं कर रहा हूं। मुझे बहुत टाइम लगा चीजें समझने में कि मैं क्या कर रहा था, क्या क्या मेरे पास चीजें हैं, कहां पे क्या रखा हुआ है। मैंने ना ये ऊपर पहले रखा हुआ नहीं, ये हमारा नीचे ही था और ये वाला हमारा ऊपर था। आप लोग ना लेटेस्ट वाला लास्ट वाला एपिसोड भी मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, उसको जाके देख लेना। वहां पर हम लोगों ने अपनी जो पूरी राफ्ट है उसको बिल्ड करी थी। मैंने ऊपर ना ये एंटीना वगैरह रखा था बट प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मेरे को देखने के लिए ऊपर आना पड़ रहा था और उसके बाद स्टीयरिंग के लिए नीचे आना पड़ रहा था, तो बहुत बेकार हो रहा था। अब जाके मैंने क्या कर लिया कि यहाँ पर जगह ज्यादा नहीं है, मैंने यहाँ पर अपना ये लगा लिया और हम लोगों ने अभी यहाँ पर कोऑर्डिनेट डाले हुए। हम लोग जा रहे हैं, हवा का विंड पीछे है तो हम लोग बहुत ज्यादा स्पीड से आगे तो नहीं बढ़ पा रहे होंगे। अभी ना एक चीज की अपने पास कमी, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास स्टोरेज का ये पूरा हम लोगों ने इंतजाम किया हुआ है। बहुत ज्यादा जगह हो चुकी है हमारे पास, बहुत सारी चीजें हमको करनी भी थी। जो हमको टेनगेरोवा आइलैंड से चीजें मिली थी वो हम लोगों ने नहीं करी, जैसे कि एडवांस इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरीफायर मुझे बनाना है, तो हमारा ये सब सामान रखा हुआ है। हमारे पास कुछ वैल्यूएबल आइटम है, जहाँ पर लेदर है हमारे पास मेटल है, टाइटेनियम, ये सारी चीजें हैं। टाइटेनियम मेरे पास और भी बहुत सारा है। एक ये कहीं पर मेरे को लगा देना चाहिए, एक सेकंड, मेरे को इतनी ज्यादा वाटर बॉटल की जरूरत है नहीं ना, मैं ये ना कहीं पर लगा देता हूँ ताकि थोड़ी रोशनी रहे। आई थिंक यहाँ कहीं पर अगर मैं इसको लगा दूँ तो सही रहेगा, है ना। ये यहाँ पर लगाता हूँ यार, इसको मैं लगाता हूँ यहाँ थोड़ा अंदर, ठीक है, इधर पर लगा दूँ तो यहाँ पर रोशनी रहेगी। अब जाके हम लोग ना एक बार ऊपर चल के आते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे एरिया, यहाँ पे एक हिसाब से हमारी सारी चीजें रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है, ठीक है, अभी नहीं हो रहा, अभी हमारे पास बहुत सारी चीजें कम है, बट यहाँ पे वही काम होने वाला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये सारा सामान रख रखा है। यहाँ से टाइटेनियम लेके मैं चल रहा हूँ। मुझे ना कुछ चीज बनाना था, मुझे इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरीफायर बनाना था, उसके मेरे को कुछ कुछ चीजें चाहिए। मैं एक बार देख लेता हूँ कि मेरे को क्या क्या चाहिए। अभी हम लोगों ने टैंक भी नहीं बनाया हुआ है, पाइप से कनेक्शन वगैरह कुछ नहीं करा हुआ है। आज हम लोग पहले वो वाला आइलैंड एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम लोग ये सारा काम करने वाले। मैं बस फट से देख रहा हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीजें। हम लोग ना कुछ इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरीफायर, इसके लिए हमको सर्किट बोर्ड चाहिए और अपने पास ना स्क्रैप नहीं है गाइस। अभी हम लोग ये काम नहीं कर पाएंगे, स्क्रैप नहीं है मेरे पास, तो इसको छोड़ते हैं। और मेरा लुक आप लोग बताओ कि कैसा लग रहा है फट से। अगर कपड़े पसंद नहीं आ रहे तो हम लोग कपड़े भी चेंज कर सकते हैं, अपने पास पूरा वार्डरोब है यहाँ पे, हर टाइप की हर कलर की। ये वाली शर्ट पहन लेता हूँ, अच्छी लग रही है, ठीक है। तो आज हम लोग जो आइलैंड जाने वाले हैं वहाँ के कोऑर्डिनेट तो मैं डाल चुका हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट था यहाँ पर 2407, नहीं 2407 नहीं था, आई थिंक 73, एक सेकंड क्या था, 7378 अलाइट। तो अब ये है एकदम टर्न करके, तो अपना स्टार्ट करते हैं इसको, इंजन को, एक सेकंड। खत्म है क्या फ्यूल व्यूल सब खत्म है? नहीं नहीं नहीं, एंकर अब जाके मैंने ड्रॉप किया, मेरे को एंकर पहले ना खींचना है ऊपर। मुझे लगा कि मैंने एंकर ड्रॉप कर रखा है, बट ये इंजन स्टार्ट। अब स्टार्ट हो रहा है ना, हमको पूरा टर्न ही कर रहे हैं। वैसे भी अभी भी थोड़ा बहुत इसका सेटअप सही नहीं हो रहा, बट इतना कोई मुश्किल नहीं हो रहा, ये सही है। यहाँ पे एंटीना खराब भी तो हो जाएगा ना अगर पानी में भीगेगा तो। अब जाके हम इसको बंद कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैटरी खत्म हो रही है। वैसे हमारे पास बैटरी चार्जर है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। शार्क आ रही है नीचे से इस बार। हमको अपना राफ्ट भी ना धीरे धीरे करके, मतलब यार मेटल का भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो बहुत सारे हमको काम अभी करने बाकी है। यहाँ पर अपना बैटरी चार्ज होती रहती है, बट अपने पास ना बैटरी नीचे है। मुझे अभी लग रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें हमको शायद फिक्स कर लेनी चाहिए। बैटरी मेरे पास ये है, एक बैटरी ये है, दो बैटरी ना बैटरी चार्जर में मैं डाल दे रहा हूँ। मुझे लाइट स्टेयर वगैरह मैंने सारा ऐसा कुछ कर रखा ताकि रास्ता ना, मुझे लगता है कि पीछे से भी एक एक रास्ता हमको बनाना चाहिए शायद। को भी हार्वेस्ट कर लेते हैं वापस से, वो भी देता हूँ मैं क्योंकि खाना चाहिए बहुत सारा। तो हमको आइलैंड पर जाने की तैयारी भी करनी है, बट उससे पहले स्क्रैप लेके मेरे को ना इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरीफायर अगर बन जाता तो बहुत सही चीज़ होता, बट अभी अगर नहीं बन रहा तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ना मैं सीड्स वगैरह रख रहा हूँ। स्ट्रॉबेरी का सीड एक से बढ़ के दो हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े ज़्यादा हो जाएँ सीड्स, बट नहीं हो पा रहे। पीछे कुछ है क्या अपने पास? एक बार देख लेता हूँ, कुछ बैरल वैरल कुछ आ रखा है क्या?
इसमें कुछ मिलेगा स्क्रैप वगैरह? नहीं, स्क्रैप वगैरह नहीं है अपने पास गाइस यार, बिना स्क्रैप के काम चलाना पड़ेगा। खैर फ्यूल का तो हम लोग लकड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, अपने पास बहुत सारी लकड़ी पड़ी हुई है। हम लोग जा रहे हैं ना आइलैंड के पास, जाने वाले हैं हम लोग थोड़ा सा। ऑलराइट, तो हम लोग जा रहे हैं अभी, और हवा का रुख अगर अपनी तरफ को होता ना जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं सीधा आ गेट को, तो मेरे को इंजन ऑन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बट कोई बात नहीं, चलेगा। हम लोग आई थिंक सही जगह जा रहे हैं, 7378। ओके, सही जगह पे हम लोग जा रहे हैं। और ये एक मैंने छोटी सी क्लॉक बनाई थी जिसमें हमको टाइम दिखेगा, और ये सब ऐसे डेकोरेशन का सामान है। सोने के लिए हमारे पास यहाँ पर बेड है, तो हम लोग बेड में आराम से जब मर्जी वहाँ पर सो सकते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको टूर दे दिया, मुझे ना यहाँ पर इनके वो भी निकालने यार। एक सेकंड, पानी डालना मुझे यहाँ पर। एडवांस वाटर प्योरीफायर मेरे को बनाना ही पड़ेगा यार, पानी बहुत कम हो रहा है। मैं यहाँ पर जब भी सो रहा हूँ ना, मैं नी ऊपर आ जा रहा हूँ उसके बाद से सीधा, क्योंकि वहीं पर खुल रहा है। पता नहीं कैसे मैं एकदम ऊपर आ जा रहा हूँ राफ्ट के जब भी मैं सो रहा हूँ यहाँ पे। देखना अभी मैं सोऊंगा, और अब जब मैं जैसे ही उठूंगा मैं सीधे राफ्ट के ऊपर मिलूंगा अपने। तो यहाँ पर मैं एग वैग ये सारी चीज़ें जमा कर रहा हूँ, तो ये भी हमारा टेलीपोर्टेशन के लिफ्ट का काम कर रहा है हमारे लिए। एक सेकेंड, फ्रेश वाटर नहीं है क्या अपने पास? है। लाइट्स भी लगानी है, तो आज हमको वहाँ पर लाइट पार्ट वगैरह भी मिलेंगे, बहुत सारा ब्लू प्रिंट मिलेगा हमको, बहुत सारी इम्पॉर्टेंट एडवांस हमको शायद वहाँ से बैटरी मिलेगी, और हमको वहाँ से एक दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं जो कि बहुत ही काम की है, तो इसीलिए वहाँ पर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं तैयारी करता हूँ, हम लोग जितना सामान हो सकता है, जितना खाना हो सकता है। हेडलाइट मेरे को इकट्ठी करनी बनानी है 2-3, और उसके बाद मेरे को हेडलैम्प यानी कि, और उसके बाद मेरे को बनाना है कुछ पैडल्स जो हमारे चलने के काम आते हैं, जिससे हम लोग फास्ट स्विम कर सकते हैं, क्योंकि जो आइलैंड है वो अंडर वाटर हमको जाना है, तो उस हिसाब से हमको कुछ कुछ चीज़ें बनानी होगी। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या सामान है और हम लोग क्या क्या और इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये फ्लिपर्स मेरे को बनाने होंगे, जिसके लिए हमारे पास सीवीड नहीं है अपने पास। सीवीड है, मैं उसका वाइन गु बना के तैयार कर चुका हूँ यार। रॉ सीवीड चाहिए था अपने कुछ है, बाकी उसके अलावा सब कुछ है। ऑक्सीजन बॉटल के लिए हमको एम्प्टी बॉटल चाहिए, बाकी सब कुछ है। ऑक्सीजन बॉटल तो हम लोग बना सकते हैं, ऑक्सीजन बॉटल बना लेंगे। तो हमारा फ्यूल हो चुका है ख़त्म, हम लोग एक आइलैंड पर आए हुए हैं। एक सेकंड देखो जरा कि आइलैंड कौन सा वाला है, यहाँ पर हम लोग क्या कुछ यहाँ से ले सकते हैं। हाँ, आराम से यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं गाइस, अपना जो राफ्ट है ना उसको टर्न करके मैं लेके जाता हूँ इस आइलैंड की तरफ को, ठीक है। हम लोग आइलैंड की तरफ जाने वाले हैं, और यहाँ पर जाके मुझे इस आइलैंड के आसपास से ना बहुत सारा स्क्रैप इकट्ठा करना है, क्योंकि वो हमारे पास नहीं है, वो बहुत काम का है, उससे हम लोग वाटर प्योरीफायर बनाएंगे और आगे भी काम आने वाला है। तो हम लोग अभी चलते हैं यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए मेरे को, थोड़ा सा बस चाहिए। ओके गाइस, तो मैं लेके आ चुका हूँ कुछ स्क्रैप, और अब जाके हम लोग ना ट्राई करते हैं। मैं इनको पेंट करने की कोशिश कर रहा था, इन चेस्ट को इनको नहीं कर सकते, इनको हम लोग पेंट कर सकते हैं। अब जाके मैं ट्राई करता हूँ इलेक्ट्रिक वाटर प्योरीफायर बनाने की, ठीक है। हमारे पास कहाँ पर गया, आई थिंक ये है। तो इसके लिए हमको टाइटेनियम सर्किट बोर्ड, पहले मेरे को सर्किट बोर्ड बनाना होगा, तब जाके एक काम कर पाएगा। तो सर्किट बोर्ड हम लोगों ने बना लिया, अब हम चलते हैं सीधा वापस वहीं पे और इलेक्ट्रिक वाटर प्योरीफायर बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमको चाहिए प्लास्टिक, प्लास्टिक मेरे पास भरा पड़ा है, यहाँ पर बहुत सारा प्लास्टिक हो चुका है। अब जाके हम लोग फट से इलेक्ट्रिक वाटर प्योरीफायर हम लोगों ने बना लिया, मेरे को इसको ना सेटअप करना है। तो मैं देख रहा हूँ, पहले एक बार सो जाते हैं, कल सुबह हम लोग ये ट्राई करेंगे। मुझे लग रहा है कि यार ये ना ऐसे सेटअप नहीं होगा, ये हमको ऐसी जगह पर कहीं पर करना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर देखो, देख रहे हो आप ये कहाँ गया यार, ये अभी भी नहीं सेटअप हो पा रहा है। हाँ, मुझे ऐसा लग नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि गाइस यहाँ से हमको एक ही रिमूव करना पड़ेगा, अब जाके ये यहाँ पर सेटअप हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी उससे ब्लॉक हो रहा था। वो हो गया, तो क्या हम लोग इसको वापस से ऐड कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये वापस यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो चुका है, अब ये चलेगा कैसे है मेरे को देखना है। रोटेट, नहीं, ये इसको छोड़ो। अब मुझे ये देखना है कि ये कैसे चलने वाला है। ओके, इसमें बैटरी लगेगी आई थिंक, अपने पास बैटरी यहाँ तो नहीं। जल्दी से ना एक बैटरी लेके आ रहा हूँ, तो हम लोग ना एक बैटरी यहाँ से लेके आ जाते हैं और जल्दी से बैटरी लगाते हैं, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि बहुत सारा पानी इकट्ठा होगा, और जो हमारे बहुत काम आ सकता है यार, बहुत ही काम आ सकता है। जल्दी से हम लोग बैटरी लगाते हैं इसमें। ओके, ये देखना पानी आ रहा है, चूहे आ रहे हैं इसमें, और ये तो वैक्यूम क्लीनर सा लग रहा है, मतलब जुगाड़ कर रखा है शायद मैंने, वैक्यूम क्लीनर होता है ऐसा, उसी टाइप का लग रहा है। तो यहाँ पर ना पानी इकट्ठा हो रहा होगा, एक बार मैं ट्राई करता हूँ। अरे वाह, बहुत सही काम कर रहा है गाइस, ये तो बहुत सही काम कर रहा है। ओके, उसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ थी ना, वो मैं देख रहा हूँ कि एडवांस और क्या था हमारे पास, जिप लाइनर भी हमको चाहिए, बहुत सारी चीज़ें बनानी यार आज हमको, तो हम लोग एक बार देख रहे हैं फट से। अच्छा, ये अभी इतने काम के नहीं है, क्योंकि इतना फ्यूल हम बना भी नहीं पा रहे, और इसको छोड़ते हैं बाद के लिए। इतना पानी हो रखा है, तो पूरा भर जाएगा ना हमारे, बहुत काम आने वाला है गाइस।
और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं से हम लोग पाइप का कनेक्शन कर सकते हैं क्या? हाँ, इसके नीचे से पाइप का कनेक्शन करके हम लोग ऊपर टैंक लगा सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं, बट इतना अभी मेरे पास ना गाइस टाइम नहीं है यार, मुझे निकलना है यहाँ से। तो मैं देख रहा हूँ कि स्क्रैप से हमको ना कुछ बनाना था, मुझे शीयर बनाने थे, ये वाला अलर्ट बन चुका है। अब जाके मुझे वो इकट्ठा करना है, क्योंकि हमको यार मेरे पास एग भी तो होने चाहिए, हम लोग बायोफ्यूल बनाने के लिए मेरे पास ना कुछ है नहीं, सामान कुछ भी नहीं मेरे पास बायोफ्यूल बनाने के लिए। इससे बकेट दूध निकाल सकते हैं, अंडा इकट्ठा कर लेते हैं। मेरे पास एग वेग थे सारे खत्म हो चुके हैं क्या यार, इतने जल्दी खत्म हो गए सब कुछ? तो यहाँ से हम लोग ऊपर पाइप का कनेक्शन लेके आके ना, ये बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है गाइस? बहुत सारे काम कर रहे हैं, मतलब ये सारे काम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही काम आने वाले हैं। तो अपने पास हो चुके हैं एग कुछ, जिनसे हम लोग बायोफ्यूल बनाएंगे। बायोफ्यूल भी बहुत काम की चीज़ है, अपने को चाहिए होती है हर एक चीज़ के लिए। तो यहाँ पर बायोफ्यूल बनाने के लिए मैं डालने वाला हूँ एग। काम मुझे ये करना है गाइस, यहाँ पर गिरने जैसा हो रहा है, तो मुझे ना यहाँ पे, हाँ अब सही है, अब कोई टेंशन नहीं है गिरने की। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मेरे को टावर दिखने लग गया, यानी कि हम लोग वरना पॉइंट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे क्रेन भी होती है ऊपर, इसलिए इतना ऊंचा टावर सा मेरे को दिख रहा है। तो हम लोग बस पहुंचने ही वाली है, थोड़ी सी दूर बहुत बड़ा ये एरिया है, ऊपर भी है और पानी के नीचे भी। मुझे लगा था कि सिर्फ नीचे होगा, लेकिन पानी के ऊपर भी है, तो हमको दोनों पार्ट में जाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम लोग जाएंगे ना ऊपर वाला काम करके आएंगे, ताकि वो वाला काम हो जाए, उसके बाद नीचे हम लोग चलेंगे अंडर वाटर थोड़ा रिस्की होने वाला है, तो उसके लिए तैयारी मतलब यार कर ही रहा हूँ मैं, ठीक है? मैं खाना वाना इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत फिश और पकड़ लेते। मेरे को एक ये मिला था लकी कैट, वो मिला था मेरे को आज। तो आई होप कि सब कुछ सही तरीके से काम हो यहाँ पे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग जब ऊपर जाएंगे ना, तो यहाँ से हम लोग इसको ये गिराएंगे और नीचे कुछ तो कुछ होने वाला है इससे, तो देखते हैं कि वहीं जाके पता चलेगा। अभी कुछ आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है, बट ये मेरे को पता है कि यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी शार्क होने वाली है, राइनो शार्क, उससे हमको फाइट करनी है, बॉस फाइट। एक बॉस फाइट शायद वो वाली थी जब हम लोगों ने मामा बियर को मारा था, मामा बियर को, और उसके बाद आज ये। मैं यहाँ पर ना मैंने सारी चीजें रखी हुई है गाइस, है ना, तो मैं इनको रखता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, यहाँ से सारी चीजें मैं अपने पास रख लेता हूँ। और ऑक्सीजन ये वाला हम लोगों ने लगा रखा है, ये भी मलहम काम आएगा मलहम लगाने के, इसको हटा देते हैं और ये नया वाला रख लेते हैं, इसको अंदर डालते हैं। खाना रख लिया, पानी थोड़ा सा मेरे को एक्स्ट्रा और रख। अभी हम कहाँ पहुँच गए? ओके, आई थिंक मैं सही जगह आ रखा हूँ एकदम, यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ने के लिए हमको बहुत ही आसानी रहेगी। चलिए 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 चलिए, तो क्या हम लोग यहाँ से जा सकते हैं? इसको भी रख लेता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमको। ये रख लिया हम लोगों ने, हेडलैम्प रख लिया, शेड्स अभी रहने देता हूँ, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी रिस्की मामला होने वाला है। तो ये मेरे पास एक ही बन पाया यार, मैं चाह रहा था कि मैं ना एक और बनाऊँ ये वाले, बट नहीं बन पाए। अपने पास ये भी है, ठीक है, सब कुछ मैं लेके जा रहा हूँ। ये है और मेटल का ये है, और क्या चाहिए अपने को? पानी एक और बॉटल में भर के लेके आता हूँ। अरे यार ये मेरे को अभी हटाना पड़ेगा, हेडलैम्प अभी इसकी ज़रूरत नहीं है उतनी, इसको रख लेते हैं फिलहाल ये यहाँ पे। मुझे क्या करना था, मुझे पानी लेके जाना था मुझे एक्स्ट्रा, तो हम लोग ना पानी लेके जाता। पानी क्या मैं एक और बॉटल बना लूँ क्या गाइस? ऐसा ना हो कि यार पानी कम हो जाए, बैटरी ख़त्म है इसकी। अरे यार जल्दी से ना पानी एक्स्ट्रा लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना गाइस कि पानी शायद चाहिए होगा थोड़ा एक्स्ट्रा। तो एक बार ट्राई करते हैं कि क्या, पहले तो बैटरी हटाता हूँ यहाँ से, क्या मैं पानी की बोतल बना सकता हूँ एक और? अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है यार, बन सकती है। ओके बना ली मैंने एक और, इसको भी लेके चलते हैं। मेरे पास कुछ फिश हैं, उनको मैं फट से ना कुक करने रख देता हूँ यहाँ पे। मैं अभी पहले ना लूट नहीं करूँगा, ठीक है, मेरी इन्वेंट्री भर जाएगी, वरना अभी मैं पहले फोकस करूँगा कि जो बाकी का काम है ना वो कर लूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना कुछ कुक करने के लिए रख के जा रहा हूँ, इन केस अगर ऐसा हुआ, ऐसा हो ना, मतलब होप करना आप लोग कमेंट में मेरे को ना दुआएं भेज रहे हैं ऐसा हो ना, अगर इन केस ऐसा हुआ कि मैं मर गया, तो एटलीस्ट दोबारा मतलब जाने के लिए वहां पर चीज़ें चाहिए ना। ऑलराइट, तो हम लोग आ चुके हैं सीधे ऊपर। ओके, तो ये एक पार्ट है जहां पर हमको जाना है, तो पहले यहीं पर हम लोग चलते हैं। आई थिंक यहां पर चेक करके आ जाते हैं कि यहां पर क्या चीज़ है। ऊपर जो क्रेन वाला काम है वो कर लेते हैं, ताकि फिर हम मेरे को डर लगा, मैंने ये नहीं देखा था, ये नहीं सोचा था कि मैंने यहाँ पे ये भी होगा। और मैं कैसे मारते हैं इसको, मैं भूल गया हूँ यार, ये तो बहुत इजी होता था ना मारना। आजा कूदता है, ये कौन है, रैट है क्या है? ये कुछ और है, पहली बार मिल रहा है मेरे को नहीं पता इसको मारना कैसे है। ओके यार मेरे को इतना तो मतलब डर कभी नहीं लगा, मैंने कोई एक्सपेक्टेशन सी ही नहीं कि यहाँ पर ये भी होता होगा। मैं बस राइनो शार्क और मुझे लगा ऊपर तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये ऊपर ये मिल गया हमको। अब मैंने क्या फेंक दिया ये? हाँ ये है शायद यही होगा। इसके बाद यहाँ पर चढ़ना है। ओ शिट ओके, पार्कोर करना है हमको थोड़ा सा। आज पहला दिन इतने लंबे टाइम के बाद मैं खेल रहा हूँ, उसके बाद से इतना मुश्किल वाला टास्क।
ओ शिट, ये कौन है? कैसे मरेगा तू? मीट इकट्ठा कर लेता हूँ क्योंकि खाना अपने को चाहिए, जितना हो सकता उतना खाना इकट्ठा करना है। यहाँ पर कुछ है क्या? मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर कुछ होगा। हमको यहाँ से चढ़ते हुए ना, जो वुड पाइल्स हैं, जो भी सारी चीज़ें, यहाँ से बस ऊपर ही चढ़ना है हमको। एक काम करता हूँ, आई थिंक यहाँ से इधर जाना है। इनमें कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। मैं बहुत ऊपर चढ़ चुका हूँ ना, यहाँ से मैं डायरेक्ट पानी में कूदूंगा। ओके, अब यहाँ पर ना हो कोई। एक और है। रैट है, रैट। इतना मोटा कैसे हो रखा है? क्या खा रहा है तू? मैं तो यहाँ पहली बार आ रहा हूँ यार। क्या खा के इतना मोटा हो रखा है? ये वही है क्या जो हमको वहाँ पे मिलता था यार, जो हम और मिशंस करा हम लोगों ने उसमें मिलता है? मुझे कुछ अलग लग रहा है। बाथरूम यूज़ कर सकता हूँ मैं? अबे नहीं, मेरे को लेना नहीं चाहिए था। अभी मैं बाद में लूट कर लूँगा यहाँ पे। अभी मुझे ना ऊपर क्रेन तक चढ़ना है, वहाँ का हिसाब किताब देख के आता हूँ कि वहाँ पर क्या है। मेनली हमको यहाँ से ब्लू प्रिंट चाहिए और हमको नेक्स्ट आइलैंड के लिए कोड चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ एडवांसमेंट वो ब्लूप्रिंट से हमको मिल जाएगा और बाकी यही सारे हमको काम करने। नोट्स मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पूरा फोकस रहेगा पहले ये काम करने का, उसके बाद फिर जाके हम लोग यहाँ पे लूट पाट मचाएंगे। मतलब जो भी लूट वूट करने वाली चीज़ें वो हम लोग बाद में करेंगे। ये क्या है? सीट है यार किसी चीज़ की। ऑलराइट, तो एक सेकेंड। की चाहिए यहाँ के लिए यार, की चाहिए, नहीं काम ही नहीं करेगा ये। इसके ऊपर भी कुछ है, एक बार चेक करके आ रहा हूँ। तो यहाँ के लिए की चाहिए, की के बिना काम नहीं होने वाला। ये क्या है? सीट वीट है यहाँ पे कुछ? नोट वोट तो नहीं है कुछ भी। और एंटीना यहाँ पर भी है एक, एक ब्लूप्रिंट मिला। इलेक्ट्रिक ग्रिल, अरे वाह, बहुत ही सही हो चुका है। इलेक्ट्रिक ग्रिल का हमको वो मिल चुका है और पहला नोट मिल चुका है। व्हेन पीपल कम बाय दे डोंट से स्टे फॉर लॉन्ग। स्पीक कर लेता हूँ यार इसको। उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि नीचे जाना। ओ शिट, मेरे राफ्ट नीचे क्यों चली गई यार? कहाँ गई अपनी राफ्ट? इतने नीचे कैसे पहुंच गई यार? ये और दूर जा रही है। मैं वापस आऊंगा, मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। मैं ये पहन रखे मैंने, जल्दी तैरना है। अगर शार्क ने मार लिया, इतनी तैयारी कर रखी यार। ये कैसे हुआ? मैंने एंकर ड्रॉप नहीं किया था क्या? मुझे लग रहा है मैंने एंकर ड्रॉप नहीं किया था, बट मैंने की तो प्रेस करी थी यार। गाइज यार, मैं अच्छा खासा सब कुछ काम कर रहा था। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा दूर नहीं गया, मैंने नोटिस कर लिया। अगर मैं और कुछ काम कर रहा होता ना, देखो कहाँ अलग ही दुनिया में नाच रही है यार ये। इतनी बड़ी राफ्ट, हमारी राफ्ट तो लग भी नहीं रही है, बोट है पूरी की पूरी, और ये यहाँ से भाग रही है। क्यों गुस्सा हो गई है कि मुझसे इतने टाइम के बाद में खेल रहा हूँ? चलो हम लोग पहुंच चुके हैं सही सलामत। शार्क नहीं थी वैसे। शार्क मुझे ऐसा लगता है कि हमारी राफ्ट के आसपास ही घूमती है, तो अगर हम लोग दूसरी जगह पे है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आ चुके हैं सही सलामत ऊपर। एक काम करते हैं, यहाँ आ ही चुके हैं ना, एक बार यहाँ पे होके आते हैं। ठीक है, ड्रॉप कर रहा हूँ एंकर और हम लोग चलते हैं इस वाली बिल्डिंग में। ओके, ध्यान से वहां से ना यहाँ पर आने का कुछ तो है। ठीक है, यहाँ पे तो मैं आ चुका हूँ। चलिए अब मैं यहाँ पे एक बार देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या मिलने वाला है हमको। कुछ है यहाँ पे? कुछ है नहीं वैसे। अब मुझे नहीं लग रहा गाइस कि यहाँ पे कुछ भी होने वाला है। जो होगा इसके अंडरग्राउंड होगा, तो हमको अंडरग्राउंड ही जाना पड़ेगा। मैं यहाँ से तो निकल रहा हूँ, मुझे लगा था कि कुछ काम का हो जाएगा, बट यहाँ कुछ भी नहीं है। तो जाना पड़ेगा हमको थोड़ा सा बैक, उसके बाद हम लोग उस साइड ही आ रहा हूँ मैं। ओह, मुझे लग रहा है फ्यूल खत्म हो चुका है यार, फ्यूल डालना पड़ेगा। सब में फ्यूल डाल लिया, अब जाके हम चलते हैं यहाँ से बैक। रात हो गई, मुझे सुबह का इंतजार करना होगा, बट मैं एक बार नीचे देख के आ रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने राफ्ट अपनी सही जगह पर लगा ली है। ये देखो, यहाँ से ना हम लोग डायरेक्ट जा सकते हैं, तो बहुत इजी रहेगा एक्सेस करने के लिए, ऊपर आने के लिए भी। और अबे यार, तू ये सब तो मत कर अभी। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें? अभी मैं उठा नहीं रहा हूँ यार, अभी हम लोग सो रहे हैं, कल सुबह चलेंगे सीधे नीचे। धक 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 हो रही है मेरे को। ओके, मैं अंदर तो घुस चुका हूँ। यहाँ पे कुछ मिलेगा क्या हमको? यार ये ढूंढना बड़ा मुश्किल होने वाला है शायद। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इसके अंदर चलते हैं। बबल्स, ये कौन भाई? ये कौन है? कौन मार? शार्क है यार, ये शार्क है। ओके ओके, अब ध्यान से। कुछ मिला क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है यार, ये कुछ भी नहीं है। मुझे लगा कि कुछ दिखा अपने को, लेकिन ये कुछ नहीं था। हेलमेट सा मिला कुछ, मुझे लग रहा है मुझे और नीचे जाना पड़ेगा क्या? ओ शिट यार, ये शार्क मार डालेगी मेरे को। मुझे इसको मारना पड़ेगा पहले, मुझे लग रहा है ये मार डालेगी मेरे को। अरे मार दिया इसने यार,
A few minutes later. Okay, मेरे को एक नोट दिखा यहाँ पे. All right. हाँ, अभी थोड़ा ध्यान से हम लोग चलते हैं. ओपन करते हैं इसको. ओ शिट, ये भी है, ये भी है एक और. अबे यार, ये कैसे मरेगा? गया क्या? ओके 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 ओके, मर गया. कुछ पार्ट हमको मिला यहाँ पे, मैं एक बार देख के जा रहा हूँ. यहाँ पे कुछ भी नहीं है. यहाँ पे कुछ और चीज़ें मिली हुई है, खाना वाना ये सब मिला है. इसको ओपन करते हैं. यहाँ पे कुछ पार्ट, मेरे को वैसे फालतू की चीज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है. हमको पहला ना पार्ट मिला हुआ, ये देखो, ये हमको मिला है लाइट बल्ब टाइप का कुछ. ये हमको इकट्ठे करने थोड़े ज़्यादा. ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है. अबे नहीं, मैं मरने वाला हूँ यार, ऐसा लग रहा है मुझे. ये काम आएगा, आ तो रहा है काम वैसे. ओके, तो ये मुझे हेल्प कर रहा है ना जाने में. ठीक है, स्पॉटलाइट, तो स्पॉटलाइट बहुत काम की है. अभी हम जो बल्ब लाएंगे उनको भी हम लोग स्पॉटलाइट में लगा के ना कुछ. ओके, यहाँ पर था यार, यहाँ पर था बबल्स, हम लोग यहाँ से रिप्लेनिश कर सकते हैं. अबे यहाँ पर फिर से है, ये फटेगा तो नहीं ना? डर लग रहा है मुझे. ओके ओके, आराम से मर गया. क्या था ये? मेरे को लग रहा है इसका हेड मैं पहन सकता हूँ. एक यहाँ पर हमको मिला. ऑलराइट, तो दो तो अपने को मिल चुके हैं. उसके बाद आई थिंक यहाँ पे मुझे जाना चाहिए. नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं था. मैं ना एक एक करके घर आके देख रहा हूँ, थोड़ा वेट कर लेता हूँ. रात का टाइम हो चुका है, मैं खाना वाना थोड़ा सा इकट्ठा कर लेता हूँ. आई थिंक मुझे कितने पार्ट चाहिए ये नहीं पता, बट मेरे को कुछ तो पार्ट मिले हुए हैं. कुछ मेरे को इकट्ठे और करने पड़ेंगे. और हमको ये हेड मिला है जिसको मैं शायद पहन सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है. ओके, काफ़ी सही लग रहा है. तो गाइस, अनलोड करके मैं वापस से आ चुका हूँ. और यहाँ पर हम लोग, ये ओपन होता है नहीं होता है? ओके, यहाँ पे ना हम लोग वापस से एक्सप्लोर करने वाले. मैं बस चाह रहा हूँ कि जितनी यहाँ पे चीज़ें हैं ना, हम लोग सारा कुछ लेके जाएं, कुछ रह ना जाए. जैसे कि एक हमको यहाँ पे मिल गया, एक नोट मिला हमको, और कुछ फालतू की चीज़ें. इसके अंदर कुछ है? नहीं. ऑलराइट गाइस, तो अपने को ना एक और चाहिए लाइट बल्ब, और उसके बाद अपना काम हो जाएगा. फिर अपने को नेक्स्ट वाले लोकेशन पर जाना है. ठीक है, उसी को ढूंढने के लिए मैं भी यहाँ पर आ रहा हूँ. मेरे को कुछ कुछ चीज़ें मिल रही है. मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो जो चीज़ें मिल रही है ना, अगर मैं जाऊँ. ओ, मिल चुका. आई थिंक अब अपना काम हो चुका है. यहीं से अपनी राफ्ट भी दिख रहा है. मैं यहीं से बाहर जा सकता हूँ क्या? जा सकता हूँ शायद, बट एक बार फिर भी एक्सप्लोर कर लेता हूँ. ये ऊपर वाला पार्ट था, यहाँ पर मैं नहीं आया हुआ था, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि यहाँ पर भी कुछ होने वाला है. तो यहाँ भी मुझे आना चाहिए था. मैं बस देख रहा हूँ कि कहीं और कुछ मिस ना हो जाए. आई थिंक मुझे लग रहा है गाइस कि चार ही चाहिए था ना. चार अपने पास हो चुके, बट फिर भी, ओ नहीं, पांच. कितने चाहिए अपने को यार? पांच मिल चुके हैं. चार चाहिए, तो शायद आगे कहीं पर हो सकता है कि नीड हो. मेरे पास जो भी यार कुछ खास सामान तो मिल नहीं रहा. मुझे लगा कि वो सामान मिल रहा होगा कुछ. हम लोग ना नीचे चल रहे हैं यहाँ से. इनका थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा. ओके, ये घुसे यहाँ से. हम लोग चलते हैं नीचे. और ओके, अब जाके ये यहाँ से हटेंगे तो मैं जाऊँगा नीचे. आई होप कि अब सही है. अब यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर हमको चाहिए की. ठीक है, तो की चाहिए यहाँ पर अपने को. एकदम सही जगह पर वेंट टाइप का लगा हुआ है जहाँ से मैं सांसें ले सकता हूँ. ठीक है, थोड़ा सा ना यहाँ पर खाना वाना खा लेते हैं. क्या मुझे हेलमेट लगा लेना चाहिए यहाँ पे? मुझे समझ नहीं आ रहा कि हेलमेट लगाना चाहिए. अंधेरा तो अभी ऐसे हो नहीं रहा ना. चलेगा अभी चलेगा काम. अब यहाँ पे ये क्या चीज़ है? इसमें आइसक्रीम है क्या? ओ, कुछ तो काम की चीज़ें मिली हुई है. मैं इसको ना पी लेता हूँ, इससे पहले कि मैं मर जाऊँ. मैं पी लेता हूँ इसको, मैं बचा नहीं रहा हूँ. लालच के चक्कर में मैं चीज़ें बचाता हूँ ना, मुझे फिर एंड में मर जाता हूँ. मेरा आर्मर वार्मर भी सारा ख़त्म हो चुका है अभी. यहाँ पर कुछ है यार? ये बहुत अजीब सी जगह नहीं आ गई? ओके, सांसें ले लो. ओह, एक नोट मिला अपने को. यहाँ पर ट्रैप्स लगे हुए हैं गाइज, बहुत ध्यान से मेरे को जाना होगा. ये देखो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बिछा रखी है यार. कौन हमारा दुश्मन? कौन जान से मारना चाहता है मेरे को? यहाँ पर कुछ मिलेगा भी मेरे को, या मैं खाली जा रहा हूँ? नहीं, लेकिन जाना तो है ना मुझे. वो मुझे की चाहिए ऊपर क्रेन की. हाँ, जाना तो है अपने को यार. और अभी तो मैंने शार्क से फाइट. ओह शिट, ये क्या था? ओ, निकल लो. ये क्या था? ओह शिट. ओके, ध्यान से. हेल्थ जा रही है, हेल्थ. ये क्या था? ओ शिट. अरे बाप रे, ये दोबारा रीसेट भी हो रहा है. बहुत ध्यान से जाना होगा. चलिए, अभी एटलीस्ट वहां से तो मैं बाहर आ चुका हूँ. अब यहाँ पे क्या करना होगा मेरे को नहीं पता. चलते हैं, आराम आराम से चलते हैं. ओके, मुझे कुछ तो यहाँ पर ब्लू प्रिंट टाइप का दिख रहा है एक सामने. ब्लू प्रिंट सा दिख रहा है मुझे गाइज. और यहाँ पे एक डोर है. ठीक है, तो ये यार, ये किस चीज़ का ब्लू प्रिंट है? यहाँ और रिस्क है, यहाँ पे और ज़्यादा रिस्क है. मेरे को इसके ऊपर कूदना है. ठीक है, मैं यहीं से नहीं आया था क्या? नहीं, यहाँ से तो नहीं आया था मैं. अब ये कौन सी जगह है? मैं एक बार ना पहले ऊपर जा रहा हूँ गाइस यार. ओह, ये तो वही वाली जगह है ना.
मैं पहले अपनी राफ्ट तक जा रहा हूँ, मैं चीज़ें रख के आ रहा हूँ, क्योंकि अब जाके हमको शायद शार्क से लड़ाई करनी पड़ सकती है जो भी है, क्योंकि हमको कुछ तो की मिली हुई है। मैं पहले जा रहा हूँ ऊपर, ये सारा अनलोड करके आता हूँ, उसके बाद वापस से हम लोग थोड़ा खाना वाना लेके आते हैं। और लड़के ऐसे हम लोग तो वापस आ चुके हैं और मुझे थोड़ा सा यहाँ पर ऑक्सीजन लेना है। इस बार मैं लेदर का आर्मर बना के लेके आ रखा हूँ, क्योंकि हम लोग ना अभी फाइनली बॉस फाइट करने वाला है यार, बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है। तो चलते हैं, बस मेरे को यहाँ से ओपनिंग देखनी है कहीं पे। ओके ओके ओके, दिख गया। तो यहाँ पे वो बॉस फाइट होने वाली है, ठीक है, खतरनाक होगी, दमदार होगी, बस जीतना है हमको, उसको मारना है किसी भी हाल में। मैं एक पानी की बोतल घर रख के आ रखा हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं हमको। पहले ना थोड़ा ऑक्सीजन ले लूँ, खाना खा लूँ, और अब हम जाने को तैयार है। पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, नहीं अभी नहीं है शायद, मेरे को ढूंढना पड़ेगा अभी। ओके कोई बात नहीं, यह तो यार पूरी जेल सी है, नीचे को शायद हमको जाना पड़ेगा। आई होप कि हाँ, अलर्ट, ये क्या चीज़ है, कुछ काम का नहीं है। ओ शिट, ये कौन था अभी, ये कौन था, किसने मुझे मारा यार यहाँ पे? ओ तो तुम हो, रुक जाओ, बहुत देर से नहीं मारा मैं, इतने हेलमेट इकट्ठे कर, मतलब हेलमेट क्या, इतने इकट्ठे कर लिया ना मैंने, इसमें से कुछ नहीं मिल रहा हमको, सिर्फ ये और मीट भी मिल रहा है। ओके, तो मुझे इधर की तरफ को जाना है शायद। बबल्स, एक सेकंड, मरने वालों, बबल्स, किसी भी हाल में बबल्स चाहिए हमको। ओ शिट, नहीं, ऐसा ना होना, प्लीज़। ओ शिट, पहुंचने वाले। मैं दोबारा नहीं खो सकता ये सारा सामान। यार मेरे को ना एक वो भी बना के लेके आना था, जिससे हम लोग थोड़ा देर तक सांस ले सकते हैं। आई थिंक अब हम सही जा रहे हैं, शायद ये वापस से आ चुका है यार, मेरे को इससे लड़ना नहीं है, मैं निकल रहा हूँ सीधा यहाँ से, हम लोग चलेंगे सीधा यहाँ से। ओके, हम लोग सही जगह पर आ चुके हैं, उस टाइम पर गलत जगह चला गया था मैं। वो थोड़ा सा सांस और ले लूं। चलिए अब चल रहे हैं, अब होने वाली है तगड़ी बॉस फाइट। ये जो जी वाला शटर आपको दिख रहा है ना, इसके पीछे है वो खतरनाक वाला प्राणी, है ना, राइनो शार्क उसका नाम है, और ये की है हम लोग। ओ शिट, अब इसको मारने के लिए ना गाइस हमको थोड़ा बहुत तरीके अपनाने पड़ेंगे, अलग तरीके की फाइट ये होने वाली है। थोड़ा सांस ले लें। ओ शिट, अगर इसने एक और मार दिया मैं तो गया काम से। अरे यार मेरे को ना पहले थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा गाइस, ये यहाँ तक आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ तक नहीं आ रहा है। ओके, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा अपनी हेल्थ बढ़ा लूँ, यार मेरी तो हेल्थ खत्म है बिल्कुल। ये कौन झटके लग रहे ना, डैमेज तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ देखो मेरी हेल्थ ना पूरी रहे। अगर थोड़ा सा भी उसने डैमेज दिया, उतना ज़्यादा डैमेज नहीं भी मिलेगा, तो मैं दो बार में तो मर ही जाने वाला हूँ, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा अपने को। अलर्ट, मुझे लग रहा है कि अब मैं तैयार हूँ, इतना काफ़ी है, एक दो बार डैमेज होगा वापस आ जाऊँगा। अगर इनकेस ऐसा होता है और बहुत चालाकी से हमको मारना होगा, तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमको ना खुद से नहीं मार सकते हम उसको, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो हमको उसको किसी न किसी पिलर पर लेके आना है, ट्राई करना है कि वो जब हमको मारना है तो पिलर पर उसका सर लगे, और इस तरीके से हमको इसको मारना है, ठीक है। अभी टॉर्च है, अगर टॉर्च नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है। पहले हमको उसको देखना है, उसको बताना है कि हम यहाँ पे हैं। ओ शिट, बबल्स, अबे यार ये तो मेरे को ऐसी मार डालेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अंदर जाता हूँ, हेल्थ वापस से रिकवर करके आता हूँ, यार ये बड़ा मुश्किल काम होने वाला है गाइस। ऑलराइट गाइस, तो मैं वापस जा रहा हूँ, इस बार इतना दूर आने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से ना ऑक्सीजन ले लूँगा, ठीक है, यहीं से ले लिया करूँगा। यहाँ पर मेरे को कुछ कुछ चीज़ें दिख रही, बट मैं अभी इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। शार्क मेरे को दिख रही दोबारा से। ओ शिट, अरे मैं जल्दी जा भी नहीं पा रहा हूँ। अरे यार मैं इतना धीरे क्यों तैर रहा हूँ, मैं वापस से एंगल पर कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं लेके आया इस बार, ये मैं बॉस फाइट करने आ रखा हूँ, और मैं कुछ नहीं लेके आया काम की चीज़ें, जो अंडर वाटर हमको काम आनी थी। ओह ये, ओके, अभी हमारा काम हुआ। अब जाके मेरे को जल्दी से ना वो एक फ्यूल टैंक लेके आना है वहाँ से। अलर्ट, मैं बहुत धीरे धीरे तैर रहा हूँ यार, मेरे को ना वो जो स्लीपर्स टाइप के थे, वो जो भी थे वो लेके आने थे। जल्दी से मुझे ये लगाना है वहाँ पे, ठीक है, इससे पहले कि मेरा ऑक्सीजन ख़त्म हो, मेरे को ये लगाना है यहाँ पे। ओके, कहाँ से आएगा, आ जा। ऑलराइट, तो पहला काम हो चुका है, हम लोग ऊपर चलते हैं, बट उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन ले लूँ। हाँ, मैं तैयारी करके नहीं आया, वरना इतना मुश्किल ये काम होता नहीं। मेरे लिए अभी बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी है, मुझे ऑक्सीजन भी जल्दी जल्दी मेरा ख़त्म हो रहा है। लेदर आर्मर बना के आ गया हूँ, बताओ किसी काम का नहीं है यार। सेकेंड लेवल, आ जा। ओ बच गया यार, बच गया।
अंकल, मैं बहुत ही धीरे स्विम कर पा रहा हूँ। कहाँ से आएगा पता नहीं। ओके, उसने कुछ तो ब्लास्ट किया। ओके, एक बार ब्लास्ट कर लिया, मेरा ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, ऑक्सीजन लेना होगा जल्दी से, मर ना जाऊं। ओके, मर ही गया था, ऑलमोस्ट मर गया था मैं। यार ये तो मेरे को मार डालेगा गाइस। अभी हुआ नहीं है काम। ओके, अब हुआ। आ जा, कहाँ गया? अगर इस बार मरा ना मैं तैयारी करके आऊंगा, मुझे लग रहा है कि चांस थोड़े कम है अपने गाइस। ओ शिट, लाइन अप करना होगा उसको मेरे को। ऑल राइट, सेकेंड, मैं तब तक ना यहां से सांस ले लूं थोड़ी सी। वो शायद ऊपर चला गया होगा ना। हाँ, अभी मैं यहां पर आराम से रह सकता हूँ, थोड़ा वेट करता हूँ। यार मैंने अपने लिए ना बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ा ली। मैं लेदर आर्मर लेके तो आ गया जिसका कोई यहाँ पर काम नहीं। यहाँ पर पता क्या चाहिए था मेरे को? ऑक्सीजन टैंक चाहिए था और मेरे को फ्लीपर्स चाहिए थे। दोनों चीज़ें मैं ली नहीं लेके आया। यार ये थर्ड वाला लेवल बहुत मुश्किल होने वाला है। जो भी है, हम लोग ट्राई करेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मैं सोच रहा हूँ ना ये टैंक पहले से लेके चलूँ, क्योंकि बहुत दिक्कत होगी बाद में। शायद हमको चलना चाहिए ना, चलते हैं ऊपर, या फिर थोड़ा और ऑक्सीजन ले लूँ, थोड़ा और वेट कर लूँ थोड़ी देर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी हेल्थ थोड़ी सी रिकवर हो जाए बस। और लड़ो लड़ चल रहे, ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे है। उसने मेरे पे ना पीछे से अटैक किया था बहुत बार। शिट, मैंने छोड़ दिया टैंक, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर पिलर है। अबे इसने पहले ही मेरे को मार दिया। मैं देखो कितनी धीरे चल रहा हूँ मैं, कितना ज़्यादा धीरे कर रहा हूँ मैं। मुझे लग रहा है कि इसको अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी उसने दो बार मार दिया हमको। ओ नहीं, वहाँ पर ब्लास्ट करके आया वो। आ जा। ओके, बहुत बहुत ध्यान से। ओ मेरा ऑक्सीजन। यार ये ऑक्सीजन ने मेरे को दिमाग ख़राब कर दिया। मेरे पास अगर वो होता ना तो मैं बहुत देर तक सर्वाइव कर पाता यहाँ पे। बस वो मुझे मारे ना, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं उसके मरने का। दो बार उसको और हिट कराना है, तीन बार। अबे यार, लास्ट सरेंडर है हमारा ये। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इस बार ना मैं यहाँ से ये भी लेके जा रहा हूँ। वैसे भी दोबारा यहाँ पर पता नहीं कब आने का मौका मिलेगा। ठीक है, जो भी सारी चीज़ें हैं, कुछ काम का है इसमें? काम का कुछ भी नहीं है। ओह, मेटल एरो है, ये एरो है यार, मुझे लगा कि कुछ और काम का है। चलिए, हम लोगों ने ये वाला लेवल पार कर लिया था। एक बार पहले ऑक्सीजन कम्प्लीट कर लेता हूँ। इसके ऊपर भी हम लोग उसको मार चुके थे, इतना भी मुझे लगा नहीं था, लेकिन हम लोगों ने मार दिया उसको। अब थर्ड लेवल, ठीक है, इसके ऊपर वाला। एक बार पिलर पर वो ब्लास्ट कर चुका है शायद, और दो बार और कराना, उसके बाद थर्ड टाइम हम लोग उसको मार डालेंगे। अब मुझे देखना क्यों है किधर पे। ओके। ओ यार, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ऊपर कराना है मुझे गाइस, ऊपर कराना है। आ जा, मुझे देख। ओके, बहुत सही, बेहतरीन, ऐसे ही करो। आ जाओ, मैं क्या तब तक ऑक्सीजन ले लूँ? किधर से आएगा पता नहीं, मुझे लग रहा है कहीं और डायरेक्शन से आएगा वो पक्का। मैं ऑक्सीजन ले लेता हूँ, ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। दो चांस और हैं, उसके बाद गया है काम से। इसको थ्रो कर रहा हूँ मैं पहले, मेरे को ना दिख नहीं रहा हो। ओके, शायद यहाँ पे आ जा। नहीं, गलत डायरेक्शन में, अंधेरे में ना कुछ नहीं दिख रहा अभी। आ जा, इधर। ओके, सही। ओके, फाइनल ब्लास्ट होने वाला है। उसके बाद ये जो बॉस है ना, ये गया काम से। ठीक है, मेरे को लगता है कि मुझे शायद एक बार ऑक्सीजन ले लेना चाहिए। यार इसके बाद भी मुझे लग रहा है कि उतनी जल्दी ख़त्म हो जा रहा है। मैंने पहन रखा है। ओके, पाइप उठाओ यार। सॉरी, ये जो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लास्ट टाइम होने वाला है। ओके, अब मुझे देखना है कि है किधर पे वो ना, कहाँ, किस डायरेक्शन से आ रहा है ये नहीं पता चल रहा है। किस डायरेक्शन से आएगा वो। ओके, अब आ जा, अब कुछ नहीं होने वाला तेरा।
गया काम से, तो अब बस वो इधर से घूम के उधर से आ रहा है क्या? यार ये बहुत दिमागदार है, यहाँ से जाके उधर से आ रहा है ना शायद। हाँ इसी चीज़ में मैं चकमा खा जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा कि किधर से आएगा, अंधेरा हो रहा है, मेरा हेडलैम्प भी नहीं है मेरे पास। अरे बाप रे, इसने बहुत मार दिया यार। बस बस बस, आखिरी बार है, आखिरी होने वाला है इसका। इस बार किधर से आएगा ये? ओह मेरे को वापस से कैरी करना पड़ेगा इस बार ये शायद। मेरे को देखना, इसको ना ध्यान देना पड़ेगा कहाँ। ओके इसको थ्रो कर देता हूँ, कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आ जा। ओके आ जा मेरे पास, आ जा। अब नहीं मारेगा, या इसको लाइनअप करूँगा जब तक ये। अरे आजा मेरे को मार, अरे मार नहीं रहा, नहीं आ रहा। ओके फाइनली गया काम से। मैं भी जाने वाला हूँ। शिट क्या करूँ, जल्दी जा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। फाइनली गाइस हम लोगों ने उसको मार लिया, इतना बड़ा बॉस था वो, गया काम से। बहुत खतरनाक था यार ये फाइट, बहुत खतरनाक था। इसमें दिमाग लगा के काम करना था, तैयारी पूरी होती पहली बार मैं आराम से कर सकता था, बट मैं भूल गया, मैं लेदर आर्मर बनाने में लगा रहा और मैं ये भूल गया कि मुझे वहाँ के लिए फ्लीपर तो मैं खैर बना भी नहीं पाता क्योंकि मेरे पास सीवीड तो थी नहीं, बट एटलीस्ट मैं ऑक्सीजन पहली बार मैं लेके आता ना तो बहुत जल्दी अपना काम हो जाता। अब यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, अभी हम लोगों ने सबको मार लिया, अब मुझे यहाँ से ना कुछ चीज़ें चाहिए, हमको ऊपर जाना है शायद, तो पहले इसका सारा मीट मेरे को चाहिए। इतना खतरनाक था ना यार ये, इसके लिए एक लाइक तो बनता है, बहुत तगड़ा था, लेकिन मार दिया हम लोगों ने। इसका हेड भी शायद हमको मिलेगा। ऑलराइट तो ये हम सजा के रखेंगे। अभी मैं यहाँ से चल रहा हूँ ऊपर, शायद हम लोग थोड़ा सांस ले सकते हैं यहाँ पे। यार मेरे को ना हेड लैंप चाहिए था, मुझे देखना है कि मुझे जाना किधर को है। ओके मेरे को रास्ता दिखा यहाँ पे। ओके यार हेड लैंप चाहिए था, मेरा ना इसमें ताकत भी नहीं है, अगर मुझे वो रैट दिख गया ना तो बहुत दिक्कत होने वाली है। मैं ना एक बार पहले ये खा लूँ खाना। ओके अब शायद हमको यहाँ से की मिल जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, या इसके अलावा और भी कुछ है, मुझे लग रहा है कि शायद हमको की मिल जानी चाहिए। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। की मिल गई हमको। ओके तो हमको एक और विंड टर्बाइन, अरे बाप रे, विंड टर्बाइन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। हमको की मिल चुकी है, तो अभी हम लोग को जाना है सीधा यहाँ से ऊपर। ठीक है मैं एक बार देख रहा हूँ कि कुछ अगर काम की चीज़ें हैं यहाँ पे तो मैं लूँगा, वरना हम लोग चलेंगे यहाँ से सीधा ऊपर। ठीक है तो चलिए अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से ऊपर। आई थिंक यहाँ से यहाँ पर जाना होगा, ये लाइट्स हैं। ओके यहाँ से जाना होगा। यहाँ से जाना है। कितना खतरनाक है यार ये राफ्ट, मतलब यहाँ से वहाँ ये सब चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें होती इसमें। जल्दी से ऊपर चलते हैं, अब हमको चलना है टावर में, तो मैं ट्राई करूँगा। अब तो खैर कोई बॉस नहीं है, बट फिर भी ट्राई करूँगा कि खाना मेरे पास कुछ नहीं है, खाना एक बार लेके आऊँ, मैं कुक करके जाऊँगा। अब मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या नई चीज़ें आई हुई है। एक तो बैटरी चार्जर तो पहले से था ना यार। हाँ जिप लाइनर हमको चाहिए अभी ले जाने के लिए। यार जिप लाइनर ना अपना ऐसे ही हो रहा, आधे रास्ते में टूटने जैसा हाल हो रहा है उसका। एक सेकंड मुझे यहाँ पर रिसर्च करनी पड़ेगी शायद। हाँ यहाँ पर रिसर्च करनी पड़ेगी। ऑलराइट। हेडलाइट इसके लिए हमको चाहिए रोप, सिंपल बैटरी और स्क्रैप। ओ मैं ये बना, एक सेकंड, सिंपल वाला नहीं एडवांस वाला, टाइट इन। ओके मैं एक बार बना के ट्राई करने वाला हूँ कि कैसा लग रहा है। हमारे पास इसके लिए तो शायद चीज़ें हैं, मैं देख सकता हूँ कि हम लोग बना सकते हैं। बैटरी चाहिए ना अपने को, बैटरी से काम चल जाएगा, बैटरी में भले चार्ज होना हो काम चल जाएगा। रोप चाहिए, ये बहुत सही है। ओके तो मैं इसको ऑलराइट, तो ये सिंपल और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, बट हाँ बैटरी लाइफ इसकी ज़्यादा हो सकती है। अब हमको ना वापस से ये टावर वाले में चढ़ना है। ठीक है तो ध्यान से मेरे को थोड़ा जाना होगा, रास्ता देखना है मुझे कि कहाँ से मैं जा सकता हूँ इसमें। यहाँ से जा सकते हैं हम लोग। मैं ना और चीज़ें देख रहा था कि और हमारे पास क्या चीज़ें आई है। विंड टर्बाइन कहाँ पे मुझे वो देखना है, विंड टर्बाइन। ओ विंड टर्बाइन चार्जेस बैटरी विद विंड पावर। ओ ये बहुत बहुत सही चीज़ है, चलिए हम लोग इसको देखते रहेंगे है ना। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से तो निकलते हैं। अरे यार मैं गलत जगह पर आ गया क्या? ओके अब सही है। ओ इलेक्ट्रिक ग्रिल भी हमारे पास गाइस आ चुका है यहाँ पे। उसके अलावा एडवांस बैटरी थी, विंड टर्बाइन आ गई हमारे पास, और मुझे लग रहा है यही सारी चीज़ें थी एडवांस। हाँ यही सारी, एडवांस बैटरी नहीं थी, विंड टर्बाइन थी हमारे पास, इलेक्ट्रिक ग्रिल था। तो इलेक्ट्रिक ग्रिल हमारे पास आ चुका है बहुत सही चीज़ है। यहाँ पे ना कुछ रह तो नहीं गया था, एक बार मैं चेक कर लूँ फट से, उसके बाद हम लोग टावर में चढ़ेंगे। बस यहाँ पे ना मेरे पास सर्वाइव करने को कुछ नहीं है, हमारी इसमें ताकत नहीं है, कभी भी टूट सकता है हमारा टूल। ध्यान से जाना होगा।
ओह एक नोट है यहाँ पे, उसके अलावा तो शायद यहाँ पे कुछ भी नहीं था ना, मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी हुई क्या यहाँ पे। ओके गाइस तो अभी हम लोग, मुझे लग रहा है कि हमारा लास्ट पॉइंट होने वाला है यहाँ पे। ओके मुझे पता चल गया कि यहाँ पे क्या मिलने वाला है। यहाँ पे ना हमको वो मिलने वाला है नेक्स्ट आइलैंड की लोकेशन, और उसके अलावा कुछ खास नहीं होगी शायद। देख लेते हैं एक बार कि क्या अगर कुछ काम का होने वाला है। और लड़िए क्या करने वाला है। ओके अब मैं यहाँ से डायरेक्ट कूद तो नहीं सकता ना, जिप लाइनर है मेरे पास तो हम लोग जिप लाइनर का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत सही यार, इसका इतना ही काम था। मैं सबसे पहले इसी टावर में आया था लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कुछ काम था नहीं इसका। अलर्ट तो हम लोगों ने जिप जिप करके कुछ एडवांसमेंट मेरे को आ चुकी है। अब मुझे यहाँ पर ओ शिट ये क्या है, तारों का जंजाल। अभी यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है मेरे को, मैं एक बार देखूँ क्या प्रॉपर तरीके से रूम ओपन करके। इतना ब्लास्ट अभी हुआ है, बाप रे बहुत खतरनाक है यार। ये तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, मुझे एकदम नीचे जाना पड़ेगा क्या, मुझे कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पर हमको। एक तो लोके ओके 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 हम लोग नीचे आ चुके हैं। ओके यहाँ पर कुछ खाने का सामान है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत खाने का सामान मिला। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख रहा हूँ एक बार में। एक तो हमको यहाँ पर एडवांस बैटरी, ओके एडवांस बैटरी भी हमको यहाँ पर मिला, हम लोग एडवांस बैटरी बना सकते हैं। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ फट से, एडवांस बैटरी वाला है किधर पे। ओके मेरे को लर्न करना पड़ेगा पहले। नोट मिला हमको, आई थिंक मुझे लग रहा है कि वरना पॉइंट हिस्टोरियन करके कुछ आ रखा है हमारा नेक्स्ट टेम्परेंस। ओके हमारा नेक्स्ट वाला हमको कोड मिल चुका है, लोकेशन मिल चुकी है, और उसके अलावा थोड़ी बहुत चीज़ें तो मिली है अपने को, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ी बहुत चीज़ें मिली है। उसके अलावा अभी अगर हम लोग चाहें ना गाइस तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। या सारे दरवाजे खुलेंगे अब, ये तो धस चुके पूरे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर रह चुका है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ना सब कुछ कर चुके हैं। अब मैं यहाँ से किसी तरह ना, यार ये बड़े ड्रामा है यहाँ से नीचे जाने के लिए मुझे अब। ओके यार ये बड़े ड्रामा है, अभी मुझे यहाँ से किधर जाना होगा। ओके मेरी राफ्ट किधर है, अब मुझे शार्क ना मार दे लास्ट में एंड वाली बॉस फाइट वो हो जाएगी। तो इसके बाद भी कोई बॉस होगा या नहीं होगा मुझे, अबे वो आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। ऑलराइट तो यहाँ पे मैं पहले ये लर्न कर लेता हूँ। आई थिंक मुझे लग रहा है कि हमारे पास एडवांस बैटरी की जो पावर है ना, यूज टू पावर इलेक्ट्रिक मशीन्स फॉर लॉन्गर, ओके ये बन सकता है। मेरे को एक बार विंड टर्बाइन का देखना है कि हम लोग विंड टर्बाइन कैसे बना सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, विंड टर्बाइन, टाइटेनियम इनगट चार चाहिए, सर्किट बोर्ड चाहिए इसके लिए चार। ओके ये दो चीज़ें हैं जो शायद मेरे पास अभी नहीं हो सकती है। टाइटेनियम अपने पास एक है, ओ टाइटेनियम इनगट है, सर्किट बोर्ड भी हम लोग बना सकते हैं। एक बार मैं सर्किट बोर्ड देखता हूँ सबसे पहले। वाइन ओ अपने पास चार वाइन गुनी है क्या, नहीं शायद नहीं है अपने पास। एक तो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, चार चाहिए ना। मेरे पास कितना हो चुका, कुछ भी नहीं मेरे पास। अरे यार मेरे को नीचे कुछ दिख तो रहा था, मुझे लगता है कि हमको जाना चाहिए क्या वहाँ पर कहीं पर, या फिर हम लोग किसी आइलैंड पर चलें। क्योंकि हम मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग ये बना के तो देखें एक बार, एटलीस्ट एक बार मैं नीचे जा के देख रहा हूँ अगर यहाँ पर कुछ होता है तो, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। मैंने ना इसको रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये सब सामान पहले यहाँ पर रखते हैं। ओ हम लोग इलेक्ट्रिक ग्रिल बना सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें अभी नहीं बना सकते बट इलेक्ट्रिक ग्रिल हम लोगों ने बना लिया जो कि अब जाएगा यहाँ पर हमारे किचन वाले एरिया में। मेरे को थोड़ा बहुत ना यहाँ का जो एरिया है उसको फिक्स भी करना है, तो हम लोग इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। इसमें बैटरी लगने वाली है, ये सब बाकी काम करने वाले हैं। चलिए तो ये हमारा लग चुका है, अब मुझे अगर कुछ कुक करना है, मेरे पास कुछ कुक करने के लिए मेरे को एक बार देखना है क्योंकि विंड टर्बाइन बनाने के लिए ना जो चीज़ें चाहिए अभी नहीं है मेरे पास, ये है ना कुक करने के लिए, बहुत सारा सामान है अपने पास। छः एक बार में, और देख रहा हूँ कि कितनी जल्दी होने वाला है। ओके गाइस तो अभी तक भी ये हुआ नहीं है, देखो टाइम तो इसमें लग रहा है, इसमें बैटरी भी खत्म हो रही है बहुत जल्दी जल्दी। बट एक चीज़ का ना फायदा ये है कि एक तो हमारा फ्यूल लकड़ी वकड़ी का खर्चा बच जाएगा, ठीक है। ओ हो चुका हो चुका हो चुका, जल्दी नहीं हुआ, उससे थोड़ा सा जल्दी हो सकता है बट एक बार में छः चीज़ें भी तो कुक हो रही, तो ये चीज़ बहुत सही चीज़ है। और आप लोग मेरे को ना ये कॉमेंट करके बताना कि हम लोगों को ना नेक्स्ट वाले एपिसोड में हमको पहले तो इलेक्ट्रिक ग्रिल और ज़्यादा बनाना है, हमको वाटर प्योरीफायर का सेटअप ऐसा करना है कि ऊपर से ही हम लोग भर लें, यानी कि हमको ना टैंक वैंक बनाना है, जो आपको यहाँ पर टैंक दिख रहा है ना, एक सेकंड ये वाला टैंक बनाना है हमको, इसका भी कुछ सेटअप करना है ताकि हमारा जो फ्यूल टैंक है वो भी बन पाए, और विंड टर्बाइन भी हमको सेटअप करनी है, बैटरी चार्जर सब कुछ प्रॉपर तरीके से हमको एक हब सा बनाना है जहाँ से सब कुछ अच्छे तरीके से मैनेज होए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले एपिसोड में
हम लोग जो नया वाला आइलैंड है वहां पर जाएंगे, जो शायद फाइनल भी हो सकता है या फिर उसके अलावा भी कोई और आइलैंड हो सकता है। बट फिलहाल आज का ये एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, भर भर के कमेंट कर देना ताकि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से ला पाए। फिलहाल आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।